हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो ये है मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रेंड, और पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट ये दोबारा से मेरे पास कमेंट आया था, तो इसलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ ये वीडियो। और टॉवल से मतलब बाल ड्राई करने हैं, और लेफ़्ट राइट और बैक फ्रंट दोनों से अच्छे से बाल झाड़ के दिखाने हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। तो एंजॉय करिए फ्रेंड। मतलब आवाज़ वगैरह आ रही है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि फ्रेंड फैमिली में बच्चे वगैरह भी हैं, तो इसलिए उनकी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे मतलब कि लेबर वगैरह रहती हैं बाहर की तरफ, तो उनकी भी काफ़ी बच्चे हैं, उनके बहुत बच्चे शोर वगैरह मचाते हैं, तो उनकी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और मैं हमेशा मतलब कि कॉटन के तौलिए से ही बाल झाड़ती हूँ, क्योंकि ये कॉटन का जो तौलिया होता है ना फ्रेंड, ये बिल्कुल पानी को सोख लेता है, और बालों में एक बूंद भी पानी नहीं रहता मेरे, और कभी भी मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें किसी ने कमेंट भी किया था कि आपने मतलब हेयर वॉश भी कर लिया और आपके कपड़े भी बिल्कुल गीले नहीं हुए,
फ्रेंड मेरे बिल्कुल भी कपड़े नहीं गीले होते, और क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग जब सर धोते हैं तो उनके बालों में से पानी टपकता रहता है और सारे कपड़े बैक से गीले हो जाते हैं, उनकी कमर वगैरह है ना वो कपड़ों में गीली हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरे कपड़े बिल्कुल गीले नहीं होते हैं और हेयर जो है मेरे बाल वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल ही। और ये लगा लो मतलब मुझे धूप वगैरह में बैठने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, आधे से ज़्यादा बाल मेरे बिल्कुल सूख जाते हैं और एकदम ड्राई हो जाते हैं फ्रेंड। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करना, और मैं इस वीडियो का करती हूँ फ्रेंड यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना आप मेरे को, अगर मैं कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज कर देना आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो।